तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यार मैं अनबॉक्स करूंगा गैन का 13 मैगलव, जो कि अभी अपग्रेड वर्जन आया है और गैन ने इसमें काफ़ी कुछ अपग्रेड करा है। सो देखेंगे हमारा ये कैसा है न्यू वर्जन जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे गाइज, डब्बा इसका बॉक्स प्रीमियम लुक दे रहा है। सो फटाफट से गाइज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइज देख सकते हैं मैंने रैप उतार लिया है, पैकिंग हमने उतार ली। ओ भाई साहब गाइज, अब जो है हम इसकी जो बॉक्स पे स्पेसिफिकेशंस चेक कर लेते हैं। गैन 13 मैगलव और यार ये कूल दिया गया बॉक्स हमें, और दोनों साइड से गाइज, और यहाँ पर गैन लिखा हुआ है यार, बहुत ही औसम लग रहा है। और नीचे कुछ स्पेसिफिकेशंस मेड इन चाइना गैन क्यूब, बस मुझे तो यही पढ़ना आता है गाइज। और ये वार्निंग चॉकिंग हज़र्ड गाइज, इसका मतलब मुझे नहीं पता यार। तो भाई फाइनली हम अपने जो है गैन के क्यूब पर आ जाते हैं। ओ भाई क्या फीलिंग आ रही है गाइज ये बॉक्स ओपन करते हुए, बहुत ही कूल लग रहा है। सो गाइज आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसका जो ये क्यूब है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो गाइज यहाँ पर बना हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारा कुछ अंदर का स्ट्रक्चर है जो कि इस क्यूब में है। ठीक है गाइज, तो भाई इस बॉक्स को अब हम लोग साइड में कर लेते हैं। ये आ जाता है हमारा कार्ड, जो कि कलेक्टेबल कार्ड होता है जिसे हम खाली कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही है, फजूल है, ऐसा नहीं कि है, मतलब आप इसे एटीएम कार्ड बना लें, बस ऐसे ही है, शौक के लिए हम इसे रख सकते हैं। सो गाइस अब हम अपनी नेक्स्ट जो चीज़ है उस पर आ जाते हैं, वो है एक एक्सेसरीज बॉक्स, जो कि इस बार हमें गत्ते का मिलता है, प्लास्टिक का नहीं मिला। सो ये तो एक बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि गाइस गैन 13 मैगलव 26,000 का यार बहुत महंगा क्यूब है। और ये यार ये इसकी गाइड है सी फॉप, जो कि बहुत बड़ी है, जो गैन 356R से लेके गैन 13 मैगलव तक सारे क्यूब्स में हमें फ्री में मिल जाती है। सो ये हमारे वैसे भी किसी काम की नहीं है। और यार ये क्या है, आप बिगिनर ट्यूटोरियल क्यूब स्टेशन, ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। और गाइस एक ये चीज़ हमें जो मिली है, ये है इसके मतलब जो इसे हम सेटअप करेंगे उसका ट्यूटोरियल है। सो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमें जो है एक टूल भी मिलेगा, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ वीडियो में। वीडियो में गाइस आपने पूरा बना रहना है, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है वीडियो में। सो गाइस ये हमारा जो है एक पाउच है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक मिला है हमें इस पाउच में, और ये छोटा सा लोगो भी बहुत ही क्यूट लग रहा है यार। और ये पाउच यार मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, एक्समैन टोर्नाडो से V2 के पाउच से बहुत अच्छी लगी। सो गाइज अब हम आ जाते हैं फाइनली अपने क्यूब के बॉक्स के ऊपर। तो भाई ओपन करें क्या, चलो भाई 1 2 3। ओ यार भाई साहब ये आप मैग्नेटिक बॉक्स है, चेक कर सकते हैं एक दफ़ा दोबारा, ए ऐसे यार गाइज बहुत ही मुझे कूल लग रहा है। और ये जो आप शाइन चेक कर रहे हो ना, ये जो शाइन, ये बहुत ही प्रीमियम लग रहा है मुझे गाइज। यहाँ पर एक हमें टूल मिला है, जो कि मैंने आपको अभी गाइड में भी दिखाया था। सो बॉक्स को भी साइड में कर देते हैं। यार ये जो है ना, ये इसके यहाँ पर मैग्नेट्स हैं कुछ, उनको जो है एडजस्ट करने के लिए दिया गया, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। सो भाई साहब अब हम आ जाते हैं अपने मेन क्यूब के ऊपर, जो कि बहुत शाइनी सा मिला है, यूवी कोटेड वर्जन है गाइज ये गैन 13 मैगलव का। इसमें फ्रॉस्टेड वर्जन भी आता है। और गाइज इसका वेट जो है वो है 71 ग्राम। सो गाइज हम इसके फर्स्ट टर्न्स करके देख लेते हैं। ओ भाई ओ भाई भाई भाई, भाई बहुत कूल है, मतलब बटरी स्मूथ टर्न से इसे हम कंपेयर करें तो एक्समैन टोर्नाडो V2 से। इसके आप टर्न्स चेक कर सकते हैं, और इसके आप टर्न्स चेक करें भाई, एक्स्ट्रा स्मूथ यार, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, और लाइट वेट भी बहुत है गाइस। मुझे ये बहुत हल्का लगा क्यूब। अच्छा अब इसका मैं आपको एक पीस अगर मेरे से, हाँ देख लें, एक पीस मैं आपको दिखा सकता हूँ तो आप देख लें। और ये देखें, ये यानी मतलब गाइस इनके बीच में भी मैग्नेट है, साइड में भी है, बीच में भी है गाइस। सो इन्हें हम लगा लेते हैं। तो गाइस अगर हम इसकी बात करें सेंटर कैप के अंदर का जो मतलब पार्ट होता है सेंटर में, यार ये अंदर चले गया, ये आपको मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा सेंटर कैप का पार्ट, कि ये किस तरीके का है यार। खुल जा भाई, गाइस बहुत टाइट बंद हो गया है, एक मिनट यार इसे मैं खोलता हूँ।
तो भाई काफी मेहनत के बाद यार मैंने इसका कैप हटा लिया। और यार ये आप लोग करीब से देखें, ये कुछ इसके एडजस्टमेंट है, मतलब कुछ ना कुछ जो भी है इसका मैगलव है वो है। तो भाई कैप लगा देते हैं। सो गाइस इसको यार एक दफा मैं आपको इसकी स्पीड टेस्टिंग करा देता हूँ। बहुत ज़्यादा स्मूथ यार, बहुत मुझे अच्छा लगा गाइज। ये क्यूब चलने में बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा बैटरी ये जो है स्पीड दे रहे हैं हमें। सो गाइज इसे हम एक दफ़ा सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह का इस पर सॉल्व आ रहा है। मतलब गाइज मेरी एवरेज जो है अब काफ़ी बुरी हो चुकी है, जो कि 36 या 37 इतनी सेकेंड से। सो अब चेक कर लेते हैं यार ये क्यूब की स्पीड की किस तरह की है। और भाई कैमरे में देख के जो है सॉल्व करना एक अलग ही लेवल का जो है एक मज़ा देती है या सदा देती है, कुछ भी कह लो यार, क्योंकि बहुत बुरा भी सॉल्व आएगा ये मुझे पता है गाइस। क्योंकि यार मैंने जब भी कैमरे में देख के सॉल्व दिए हैं बहुत बुरे आए। सो अब चेक कर लेते हैं ये ओ यार ये तो टी वाला केस है, ये मुझे आता था। और भाई ये गाइस 32, यार मेरी एवरेज 36 30 के अराउंड है और 32 आई है इतना महंगा क्यूब बाय करने के बावजूद भी। सो गाइस मैं ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये क्यूब मतलब जो गैन की कंपनी है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इस क्यूब को लॉन्च करा है। ये क्यूब तकरीबन 10,000 तक का होना चाहिए था, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। बाकी ये क्यूब तो गाइस 26,000 रुपीज़ का है, तो ये तो बहुत महंगा है, ठीक है। और गाइस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोग आ चुके हैं जो कि है एक आपके लिए गिफ्ट। वो गिफ्ट ये है गाइस, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है आप लोगों को, जो कि है क्यूब स्टोर की, जो कि एक दराज का स्टोर है गाइस। आप वहाँ पर जाके कोई सा भी क्यूब परचेस करें, वहाँ पर आप एक कोड जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा वो अप्लाई कर दीजिएगा, इस गेलर नाम का कोड होगा। सो गाइस आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कि कोई आप 5,000 का क्यूब लेंगे तो आपको वो 4,900 का पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है गाइस। आप मेरी लिंक से बाय करें, आपको भी फ़ायदा होगा मुझे भी फ़ायदा होगा। सो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।